जयसागर बांध की पाल के ऊपर से हम आप लोगों को इसका व्यू दिखा रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच इस प्रकार ये नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है। उधर जो अभी हम डैम देख के आए थे, सोम सागर डैम, जो वो पहाड़ी जो आपको नज़र आ रही है वो सोम सागर डैम की है, लेकिन उसके नीचे ये पहाड़ क्षेत्र जो आप देख रहे हैं उसमें पूरा का पूरा जयसागर जयसागर जो डैम है उसका ये बहाव क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है पूरा का पूरा। ये पीछे की तरफ इसमें ये अमन बाग प्लेस होटल के पास में ही ये स्थित है, जिसको हम पूरा का पूरा व्यू के रूप में देख रहे हैं। तो ये जयसागर बांध के नीचे की तलहटी में जो ये अजबगढ़ का किला आप देख रहे हैं उसके पास ये पूरा बहाव क्षेत्र जो बांध का था, लेकिन अब बरसात कम होने की वजह से ये पूरा खाली आप लोगों को दिख रहा है। ये ऊपर किले की तलहटी के पास ये पूरा का पूरा अजबगढ़ का किला है, जो आगे इसके बाद में भानगढ़, जो कि भूत किले के नाम से जाना जाता है, विख्यात है इतिहास में, उसी भानगढ़ से पहले अजबगढ़ के क्षेत्र में हम यहाँ पर पूरा का पूरा ये बहाव क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ कैचमेंट एरिया जो इस बांध का था उसकी पाल के ऊपर से हम पूरा का पूरा ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार ये नीचे, पहले इसमें पानी लबालब रहता था, लेकिन अब आजकल लोग इसमें कृषि खेती बाड़ी करने लगे हैं, वही परंपरागत तरीके से इंजन यहाँ पर लगा हुआ है जो नीचे आप यहाँ देख पा रहे हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसी पूरे बांध के बहाव क्षेत्र की इस पाल की ओर, और आप लोगों को ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो ये सोम सागर बांध जो इस किले के पीछे की तरफ था उसके आगे जो ये हमारा दूसरा जो बांध है जिसके बारे में आपको हमने यहाँ पर ये सूचना प्रदर्शित की है। ये गोविंदपुरा के पास में उदयनाथ जी का जो धाम है उसके पास में स्थित है। हम ये कलकल करते हुए झरने की जो आवाज़ आपको, यहाँ पानी की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये नीचे तलहटी से हम ऊपर की ओर अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। और आज थाना गाजी ब्लॉक का जो ये कैचमेंट एरिया है, सरिस्का का जो कोर क्षेत्र है, उसमें आप देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ी, इस तरीके से सपाट पहाड़ ऊपर से बगल में जो ये एक खोल नुमा आकृति जो बनी हुई है वहाँ से ये पानी का बहाव हमें दिखाई दे रहा है। और हम अपनी टीम के साथ इस दृश्य को फिल्मांकन कर और गाँववाणी टीम के साथ में आप लोगों तक पहुँचाने का एक साझा प्रयास कर रहे हैं। आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर। गाँववाणी स्टूडियो का एक साझा प्रयास रहता है कि हम किस प्रकार आप लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ, उसी माध्यम में हम आप लोगों के साथ ये फिल्मांकन कर रहे हैं। कल कल करते हुए झरने के पानी की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है। हम बिल्कुल अब उस पहाड़ के पास उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से ये झरने का उद्गम स्थल है। ये लोग यहां भ्रमण करके और इस तरफ पहुंच रहे हैं, और हमें लगा कि प्रकृति की गोद में आकर इस तरह का मनमोहक दृश्य और नज़ारा देखते ही मिलता है। हमारे साथ एक सज्जन हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कौन सा स्थल है और कैसी व्यवस्था आपको यहाँ लगी। ये गोविंदगढ़, ये कुंड है, ये वो है, क्या नाम है, क्या बोला, खोर। बिल्कुल, खोर के नाम से बताते हैं इसको। वाकई मस्त झरना है, हमारे को यहाँ पे आके बहुत शांति मिली, उत्साह मिला, सारी गर्मी दूर हो गई। बहुत अच्छा लगा सर आपका ये सुझाव देखकर, और हम भी देख के आते हैं कि कैसा झरना है और किस प्रकार का है। थैंक यू सर। इस तरह हमने रहने वाले लोगों का भी एक
वीडियो दृश्य आप लोगों के साथ साझा किया। अब लोग आसपास के बच्चे कुछ इस झरने में स्नान कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि झरना कैसे बहकर ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम इस पानी के बीचों बीच से अपनी टीम के साथ इस प्रकार हम ऊपर से या तो निकल के जाएंगे या दूसरा मार्ग जो हमें दिखाई दे रहा है इन बड़ी बड़ी चट्टानों से हम ऊपर की ओर चढ़कर और यों निकल के आगे की ओर जाएंगे। तो हमने ये रास्ता देखा, सबसे सुरक्षित रास्ता हमें ये प्रतीत हो रहा है। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर का हमारा एक मकसद रहता है। प्रकृति के साथ हम कैसे जुड़ें, किस प्रकार आगे बढ़ें। ये पूरा झरना कलकल करते हुए नीचे की ओर आप लोगों को दिख रहा है। हम इस झरने के मुख्य भाग के पास आ चुके हैं। कुछ बच्चे यहाँ स्नान कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। एक झरना राजेंद्र जी के साथ पार करके हम दूसरे पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। बीच बीच में ऐसे झरनों में बच्चे स्नान कर रहे हैं और इस बरसात के बाद आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो आओ लौट चलें गांव की ओर, प्रकृति की ओर। इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी की ये सपाट जो पथरीली आकृति है उसको पार करते हुए हम ऊपर की ओर मुख्य मंदिर प्रांगण के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से इस झरने का जो उद्गम स्थल है उस झरने के उद्गम स्थल को भी हम आप लोगों तक प्रदर्शित करेंगे। ये कलकल करता हुआ झरना एक तरीके से पहाड़ी की ऊंचाई से इस प्रकार गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे एकदम बिल्कुल श्वेत धरा के ऊपर एक तरीके से पानी की ये जो लहर है वो इस तरीके से हमें प्रतीत हो रही है। मानो इस प्रकृति के श्रृंगार में ये एक असली जो प्रकृति का जो नज़ारा है वो यहाँ हमें देखने को मिली है। और साथ में ये जो कलकल करते हुए झरने की जो आवाज़ है जो हमें यहाँ महसूस हो रही है, प्रतीत हो रही है, वो वाक्य में इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों के ऊपर ही नज़र आती है हमें आज महसूस हुआ। आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर। जो मुहिम युवा जागृति संस्थान के गाँववन स्टूडियो के माध्यम से चलाई गई थी वो सही मायने में सही दिशा में चलती हुई हमें प्रतीत हो रही है। ये प्राकृतिक जो गुफा यहाँ आप जो इस पेड़ के पास देख रहे हैं वो भी हम नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। हमारी टीम के साथ इन सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर की ओर जाएंगे। हमारी टीम के कुछ साथी लोग आप यहाँ देख रहे हैं नीचे ये पथरीले रास्तों से होते हुए वो लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ये BM सर और साथ में राकेश जी उस गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो झरना आपने देखा उस झरने के उद्गम स्थल को देखने के लिए हमारी टीम आतुर है और उसकी तरफ बढ़ रही है। ये उदयनाथ जी के जो धाम का ही एक हिस्सा यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया और अभी हम जानकारी लेंगे हमारे राजेंद्र जी के साथ में कि ये कौन सा प्राकृतिक स्थल है और किस प्रकार का इसका महत्व है। देखिए अभी हम जो उसी श्रृंखला में कि गाँव के साथ जुड़कर जो हमारी गाँव की प्रकृति की जो छटाएँ हैं उनको आपके सामने पेश करने में हम गोकुल जी के साथ एक नई जगह पे आए हुए हैं। ये जगह है किशोरी विक्रमपुरा के पास बाछिंडा का खोड़ा बोलते हैं इसको, जहाँ पर निरंतर एक झरना चलता रहता है और उस झरने के चलने से यहाँ पे आसपास में हमेशा हरियाली बनी रहती है। जो ये जगह है ये साधु संतों की शरण स्थली है। इन पहाड़ों के बीच में अनेकों ऐसी गुफाएँ बनी हुई हैं जिनके अंदर साधु संत अंदर रहते हुए तपस्या करते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। वो तभी बाहर निकलते हैं जब उनको कोई विशेष कोई कार्य हो या प्रकृति से कोई विशेष लगाव हो, तभी उसी दशा में बाहर आते हैं, अन्यथा वो अपने अंदर ही रहकर अपनी पूजा अर्चना में या अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। एक तरफ देखिए ऊंची पहाड़ी है, अरावली की ऊंची पहाड़ी के ऊपर, इस पहाड़ी के जस्ट ऊपर जाके एक सरोवर है जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और जब वो भर जाता है तो उसके बाद में पानी एक इस झरने के माध्यम से नीचे आता रहता है। वैसे साल भर ये झरना धीरे धीरे चलता रहता है और ये बहुत ही अच्छी दर्शनीय स्थल है जिसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टाने जो पड़ी हुई जो आपको नजर आ रही हैं, ये चट्टाने पानी के बहाव के कारण ही यहाँ आके पहुँची है।
अच्छा लगा राजेंद्र जी, आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर के हमारे गाँववाणी स्टूडियो के इस प्रयास में, थानागाजी ब्लॉक में आपके साथ हमने बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थलों को देखा और प्रकृति को इतने करीब से जाकर हमने महसूस किया। हमारी टीम में राकेश जी और साथ में बीएम सर बिल्कुल उस झरने के पास वाले एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं झरना बिल्कुल कितनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर से गिरता हुआ नीचे, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे हमने गाड़ी खड़ी करके और पैदल हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसी प्रकृति के श्रृंगार को आप सब लोगों के साथ साझा करने में हमारा ये गाँववाणी स्टूडियो मदद कर रहा है। तब तक के लिए विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे गाँववाणी स्टूडियो के इसी प्रकार के प्रयासों के साथ। धन्यवाद।